जॉन विक बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी बहुत मज़ा आया देखे हमेशा की तरह थे स्टोरी सबकी एक्टिंग कमाल की थी आ, मुझे जो एक चीज़ और के बहुत अच्छा लगा वो था इनका कलर ब्रेडिंग इनका जो जो थीम थी कलर्स की आ, हाई कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त थी फिल्म बेशक ये फिल्म आई गई है अच्छे रेंसेज पे नई टेक्नोलॉजी है ग्रैंड फ्री है नॉइस फ्री है तो जो रिजल्ट्स इसके अंदर इनको मिले हैं वो बहुत ही अमेजिंग थे आ, वैसे तो बहुत सारे सीन्स हैं आ, जिनके जो ग्रेड है जो कलर ग्रेड है वो बहुत मुझे अच्छा लगा जो स्कीम है बहुत अच्छी लगी लेकिन ये वाला जो सीन है ना ये वाला ये बहुत ही ज़बरदस्त है पता नहीं मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है ये लेकिन ये जितना भी कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है आ, इसको मैं पूरी तरह तो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ना ही मेरे पास उस तरह के कैमरेज़ हैं जिनसे मैं सीन सनवाऊँ या उस तरह की लाइटिंग नहीं है तो जो मेरे पास फ़िलहाल वीडियो अवेलेबल है जिस तरह की क्वालिटी के साथ जिस तरह के डेटा के साथ उस पर काम करने की कोशिश करते हैं प्रीमियर में और कुछ इस तरह से सिमिलर चीज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर कंपेरिजन व्यू में तो जो उसके कलर्स हैं इसको मैं एज़ इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करता हूँ तो वो आप कैसे कर सकते हैं आपको आना है यहाँ पर कलर व्हील्स एंड मैच में यहाँ पे कंपैरिजन व्यू जब मैं इसको बंद करूँगा तो जिस क्लिप पे मैं काम करना चाह रहा हूँ वो अपीयर होगा लेकिन जब कंपैरिजन व्यू करूँगा तो मैं यहाँ से जो कलर स्कीम उठा के नए क्लिप पे लेके आना चाह रहा हूँ वो मैं इजीली कर सकता हूँ तो ये वो पॉइंट है जहाँ के कलर्स मैं इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा अप्लाई मैच तो बहुत सारा काम यहाँ हो गया लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विक्स हैं जो करना बाकी हैं वो हम करेंगे कर्व्स के अंदर सबसे पहले जो वाइट है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेज करूँगा और यहाँ से इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा ताकि एक सेटल सी लुक आए जो ग्रीनस हैं उनको मैं इसमें ख़त्म करूँगा क्योंकि इसमें ग्रीनस जो हैं वो काफ़ी कम है तो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ एक कर्व के अंदर और ब्लू को भी मैं कम करूँगा कुछ इस तरह से यहाँ तक ठीक है रेड को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा कुछ यहाँ तक और इसकी जो नीचे की टोन्स हैं वो मैं कम करूँगा और यहाँ से टोन्स में बढ़ाऊँगा बाकी जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चीज़ें होती हैं तो वो आप उससे अच्छी तरह से उसमें ट्विकिंग कर सकते हैं लेकिन कोशिश मेरी होगी कि इसके साथ कहीं मैच करवाया जाए यहाँ पे रेड्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे क्योंकि वीडियो के अंदर रेड जो है वो ज़्यादा है इसमें डिटेल कम है और इसके ऊपर ये एक और लाइट है आ, ब्लू इसी जो कि खुद से उन्होंने ऐड की हुई थी वो किसी कदर डेट से नहीं हुई वो लाइट एक्चुअली वहाँ पे मौजूद है तो उसको हम आ, मुश्किल होगा हमारे लिए वीडियो पे लेके लेकिन कोशिश पूरी करेंगे अब मैं इसका कंपैरिजन व्यू बंद करता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर नज़र आएँ रेड पे जब रेड्स में चेंजेस लेके आऊँ तो आप इसके जो चेहरा है उस पर नज़र रखें और नीचे बैकग्राउंड पे कि चीज़ें अच्छी तरह से मर्ज होनी चाहिए बहुत ओवर ना लगे बहुत डल भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो क्योंकि जैसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कलर फट रहे हैं तो इसको मैं एक इसी जगह रखूँगा वाइट की बिल्कुल ऊपर ताकि एक रिदम बना रहे ग्रीन्स हैं ग्रीनस को मैं देखता हूँ कि अगर इसमें मैं चेंजेस लिखे आऊँ तो घा तक होती हैं इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँ तो यहाँ पे अच्छा है और ब्लूज़ जो हैं वो जहाँ पे थे मेरे ख़्याल में वहीं सही हैं अब मैं नीचे आऊँगा कलर वीज मैच में तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके जाता हूँ ताकि चेहरे पर रेड कलर है वो ज़रा ज़्यादा नुमाया हो अगर आप इसको पहले देखें इस जगह पर ये जगह और अब मैं इसमें चेंज लेके आता हूँ थोड़ी सी इसके अंदर रेड की अमेजिश ज़्यादा हुई है और इसको भी मैं शेडोज़ को भी चेंज करता हूँ थोड़ा सा चेक करता हूँ कहाँ पे एक ब्लू सा लुक आता है यहाँ पे सही है ये चीज़ और तो हाई लाइट्स मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है इसकी आप अपने सीन के हिसाब से इसमें चेक कर सकते हैं अब मैं इनको वापस कंपेरिजन व्यू में ले जाता हूँ तो चीज़ें काफ़ी आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन फिर भी इसके ऊपर काम करना कुछ बाकी है मैं बेसिक कोलेक्शन में आऊँगा और यहाँ से इसका जो कंट्रास्ट है वो मैं इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि ये जो सीन है ये हाई कंट्रास्ट है तो यहाँ भी हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे ताकि लुक्स किसी तरह से मैच हो सकें और आ, शेडोज़ को नहीं छेड़ते सही है मेरे ख्याल में वापस हम कर्व्स में यहाँ पर जो रहती हैं वो भी चेंज करते हैं सीन को तो थोड़ा आगे लेके जाता हूँ ताकि मुझे मज़ीद थोड़ा पता चले कि चीज़ें कहाँ तक और कैसी लग रही हैं मिसाल के तौर तो पे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ये जगह अब ये जो कलर है यहाँ पे जो फर्श पे ये काफ़ी हद तक मैच हो रहा है यहाँ पे लेकिन एग्जैक्टली आप इसको फिक्स नहीं कर सकते इसमें ज़्यादा चेंजेस लेके नहीं आ सकते क्योंकि जिस लाइट में ये फिल्माया गया है वो लाइट एक्चुअली वहाँ पर मौजूद थी तो सारा ही काम आपके सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे होते हार्डवेयर का इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है तो इसलिए इसमें वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट चेंजेस नहीं नहीं हो पाएंगी लेकिन जो कलर रेड कलर है वो दोनों का सेम है जो शेडोज़ आ रहे हैं जो वाइट्स हैं वो बिल्कुल सेम मैच हो रहे हैं सिर्फ नहीं हो पा रहा हमसे तो वो जो ब्लू कलर है वो भी काफ़ी हद तक मैच हो गया लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं देखूँ तो ये एक, एक मतलब परफेक्ट मैच है अब मैं इसको इस सीन के साथ मर्ज करूँगा रन करूँगा दोनों को ताकि जब एक दूसरे से फ्लिप हो तो आपको पता चले कि किस हद तक ये मैच हो चुके हैं है। आपको ये लुक अच्छी लगी होगी और आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने कोशिश की है कि बहुत आसानी के साथ इसको अचीव करने के बारे में बताऊँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे बेहतर तरीके से इसको करना जानते होंगे या कर सकते होंगे